आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश में कई जगह प्रदर्शन, रामपुर और बिहार में हिंसा। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण हुए नगरीय निकाय के चुनाव, बैलेट पेपर के जरिए चुने जाएंगे 2840 पार्षद। कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा का निधन, 65 वर्षीय विधायक कैंसर से थे पीड़ित। बीजेपी का आरोप, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार की सारी हितकारी योजनाएं की बंद। और छत्तीसगढ़ में किसानों की आफत, कांकेर में धान नहीं खरीदे जाने से किसान परेशान। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश में कई जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें इसमें तोड़फोड़ और दंगा करने पर उतर आई हैं। यूपी के रामपुर में उग्र प्रदर्शन हुआ, जहां भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इस बीच 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है, जिस भी संपत्ति का नुकसान हो रहा है उसे दंगाइयों से वसूल किया जाएगा। दूसरी ओर बिहार बंद के दौरान नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूपी में दंगाइयों को लेकर योगी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट जल्द आ जाएगी, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस मामले में 10 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, बिजनौर, वाराणसी, संभल और मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई। इन शहरों में मृतकों का आंकड़ा 6 से बढ़कर 13 हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली और हिंसा पर नाराजगी जाहिर की। रामपुर में आज उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस को मारा, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। शुक्रवार की हिंसा के बाद यूपी के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा था कि शुक्रवार को नमाज के बाद सुनियोजित ढंग से प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और पुलिस पर हमला किया। उपद्रवियों ने कम उम्र के बच्चों को आगे किया, जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने संयम बरतते हुए त्वरित कार्रवाई की। रामपुर में भी आज ऐसा ही हुआ। बिहार में नागरिकता कानून के खिलाफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के साथ ही वाम दलों ने इस बंद का समर्थन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडई भी दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन के दौरान ऑटो रिक्शा वालों को रोककर उसमें तोड़फोड़ की, गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए। सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हाजीपुर, दरभंगा, वैशाली, जहानाबाद में ट्रेनें रोक दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहली बार बैलेट पेपर से मतदान हुआ। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बैलेट पेपर करीब 16 साल बाद वापस चुनाव प्रक्रिया में लौट कर आया है। पूरी एक पीढ़ी नई आने के बाद यह व्यवस्था इस बार फिर चुनाव प्रक्रिया में अपनाई गई। बैलेट पेपर से वोट डालने को लेकर बहुत से बुजुर्ग मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। छत्तीसगढ़ में पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों में पहुंचे बुजुर्गों ने नई पीढ़ी को मतदान के लिए जागरूक रहने का बड़ा संदेश भी अपनी प्रभावी उपस्थिति के साथ दिया। मतदान केंद्र में कई बुजुर्ग व्हीलचेयर में वोट डालने के लिए आए थे। इससे पता चलता है कि उनके अंदर एक नागरिक होने का आत्मसम्मान कितना मजबूत है और वे अपने अमूल्य वोट की कितनी अहमियत समझते हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। मतदान केंद्रों में व्हीलचेयर के साथ प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था और बुजुर्गों के बैठने के लिए इंतजाम किए गए। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित मतदान केंद्र में मतदान के लिए आई 85 वर्षीय ज्योत बानी ने बैलेट पेपर से वोट डाला। वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए उन्होंने बताया कि करीब 16 साल बाद बैलेट पेपर से मतदान किया, इससे पुराने दिन याद आ गए। अपने शहर की सरकार चुनने के लिए छत्तीसगढ़ के 151 नगरीय निकायों में शनिवार को नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होना था, लेकिन मतदाता की उत्सुकता बहुत से वोटरों को समय से पहले ही मतदान केंद्र तक खींच लाई। कतारों में लगकर अपनी पारी का इंतजार करते हुए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और शहरी सरकार चुनने में भागीदारी बने। राज्य में शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए यह मतदान हुआ। राज्य के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित
दक्षिण इलाके में भी निकायों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ और वोटर्स पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल नजर आए। 24 दिसंबर को मतगणना के बाद 2840 नए पार्षद चुनकर आएंगे। मुरैना की जौरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा का भोपाल में शनिवार सुबह निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा विधानसभा सत्र के चलते भोपाल में ही थे। भोपाल में सुबह उनका अचानक ब्लड प्रेशर कम हुआ, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका निधन हो गया। इसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। बनवारी लाल शर्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते थे। वो सिंधिया गुट के एक अहम नेता थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जौरा के विधायक हमारे परिवार के सदस्य बनवारी लाल शर्मा का दुखद निधन का समाचार मिला है। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका निधन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने जौरा विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति में अपने कार्यों से उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। हम सबको उनके द्वारा स्थापित आदर्शों से सदैव मार्गदर्शन मिलता रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बनवारी लाल शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर के चरणों में स्थान देने और उनके परिवार और क्षेत्र की जनता को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सत्र में विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को अतिवर्षा में खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया, न ही बोनस दिया जा रहा है। सरकार की किसान समृद्धि योजना में मुआवजा देने की बात भी नहीं कही गई है। प्रशासनिक अधिकारी गौरी सिंह के इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पास किया और फिर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के सांसदों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में 28 सांसद हैं, पर किसी ने भी केंद्र से किसानों के लिए राहत राशि की मांग नहीं की। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रदेश के 7 लाख टन खरीदी रोक दी गई है, क्योंकि पिछले साल किसानों को बोनस दिया गया था। कमलनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर है। इसके बाद सदन में विपक्ष ने आपत्ति जताई और जोरदार हंगामा किया। जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह क्यों नहीं केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते। केंद्र से हमारा पैसा रुक गया है, जो देना नहीं चाहती, दुर्भावना रखती है, दुर्व्यवहार करती है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री केवल राजनीतिक रोटियां सेकना और मैं कैसे किसानों के बीच में जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकूं, ये नहीं चल सकता। आप में दम हो तो नरेंद्र मोदी जी के सामने जाओ, आवाज उठाओ, पत्र लिखो, वहां धरना दो। वो कुछ नहीं है, केवल किसानों के बीच में जाकर गलत सलत झूठ, जैसा पहले सत्ता में रहकर बोलते थे, अब सत्ता से बाहर होकर बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर असंवेदनशील हो चुकी है, किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है। केंद्र के मुद्दे पर शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने क्या केंद्र से पूछकर वचन पत्र बनाए थे, जो केंद्र पर दोषारोपण किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार झूठ बोल रही है। भाजपा की सरकार ने किसानों को बोनस दिया था। शिवराज ने बेरोजगारों को लेकर कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 7 लाख बेरोजगार बढ़े हैं। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने को कहा था, लेकिन किसी को भी न रोजगार मिला न बेरोजगारी भत्ता। शिवराज ने कमलनाथ के मुंह चलाने वाले बयान पर कहा, कमलनाथ सही कह रहे हैं, ये सरकार मुंह ही चला रही है, सरकार नहीं चला रही है। सरकार को विपक्ष ने प्रशासनिक अधिकारी गौरी सिंह के इस्तीफे पर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने वल्लभ भवन सहित कई सरकारी संस्थानों को दलालों का अड्डा बताया। शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि NRCO और CAA पर कांग्रेस लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है। इस बार का जो सत्र है वो काफी छोटा रहा और विधानसभा में गतिरोध देखने को मिले। सरकार का एकमात्र लक्ष्य दिखा, उसने जैसे तैसे अनुपूरक बजट पास कराया और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार है ही नहीं, पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठप पड़ी हुई है, रोज घटनाएं हो रही है और सरकार सो रही है। रेत माफिया, ये माफियाओं की बात करते हैं, रेत माफिया, शराब माफिया, तबादला माफिया, परिवहन माफिया खुल के खेल रहे हैं और माफिया तो वल्लभ भवन में डटे हुए, रोज उनके हिसाब से नीतियां बन रही। शराब माफिया शराब की नीतियां बनाते हैं, इन माफियाओं पे कार्रवाई करो, काय का जस।
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक फार्मूला है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का, उसके अंतर्गत हर एक राज्य को बजट दिया जाता है, ये तो बहानेबाजी। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता ललिता यादव ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार की सारी हितकारी योजनाएं बंद कर दी हैं और जो कार्य अभी चल रहे हैं वो शिवराज सरकार के कार्यकाल के ही कार्य चल रहे हैं, प्रदेश सरकार ने कोई नया कार्य नहीं किया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे करने पर पूर्व मंत्री ललिता यादव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दम भर रही है कि 365 दिन में उनकी सरकार ने 365 वादे पूरे कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सरकार ने शिवराज सरकार की गरीबों के लिए बनाई तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं और जो काम चल रहे हैं वह शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय के काम है। ललिता यादव ने कहा कि जिले में रेत उत्खनन में कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्री शामिल है। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है तो वो किया है अवैध उत्खनन। बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े रोड डाल दिए गए, अवैध उत्खनन हो रहा है। अवैध उत्खनन में विधायक और मंत्री सब शामिल हैं। एक साल में उन्होंने जनता के बीच में एक भी काम नहीं किए। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी उस समय जो काम हुए थे आज वही काम चल रहे हैं। जनता आप अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तवा नदी की बंद पड़ी चपलासर रेत खदान से अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर ला रहे राजस्व अमले पर रेत माफिया ने हमला कर दिया। माफिया ने अफसरों की जमकर पिटाई की और रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्राली छीन कर ले गए। रेत माफिया के डंडों से लैस करीब 8-10 गुंडों ने नायब तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव और पटवारी यशवंत राजपूत, दूल्हे सिंह राजपूत और अभिषेक ठाकुर की पिटाई की। तहसीलदार निधि चौकसे को भी धमकाया। अफसर कर्मचारियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया ने SDM से रिपोर्ट मंगाई है। बाबई थाने में नायब तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर खनन माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश पर खनिज राजस्व व पुलिस टीम रेत का अवैध कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर ने बताया कि रेत माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि रेत माफिया के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कांकेर में धान नहीं खरीदे जाने से किसान परेशान हो रहा है। धान फड़ संचालक यह कहकर धान नहीं खरीद रहे कि धान की गुणवत्ता सही नहीं है। किसानों का कहना है कि इस बार ज्यादा बारिश की वजह से धान का रंग जरूर अच्छा नहीं आया है, पर धान की गुणवत्ता खराब नहीं है। पूर्व की सरकार में इस तरह की परेशानी किसानों को कभी नहीं आई। किसानों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि यही धान बेचकर वो बैंक का कर्ज चुकाएंगे, अपने घर का पालन पोषण करेंगे। कांकेर में परलकोट के 133 गांव में धान खरीदी केंद्र में धान नहीं खरीदे जाने से किसान परेशान हो रहा है। किसानों का धान ये कहकर धान फड़ संचालकों द्वारा वापस कर दिया जाता है कि धान की गुणवत्ता खराब है, जबकि किसानों का कहना है कि इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से धान के दानों पर अच्छे रंग जरूर नहीं आए हैं, पर धान वापस कर दिया जाए वैसा खराब नहीं है। आज तक इस प्रकार की कभी दिक्कत नहीं आई है। भूपेश बघेल की नई सरकार में किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ये धान बेचकर ही बैंक से लिया गया लोन चुकाना है, घर की जिम्मेदारी भी इस धान बेचने पर ही निर्भर करती है। ऐसे में धान नहीं बिका तो आत्महत्या की नौबत आ जाएगी। धान फड़ संचालकों का कहना है कि ऊपर से आदेश मिला है और बांदे लेम्स के मैनेजर का निर्देश है सिर्फ अच्छी धान की खरीदी करें, बाकी वापस कर दें। मैं पहले तो मैं बताऊंगी कि धान वापस कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खराब भी आ रहा है ना, और उसमें काला धान जैसे दे रहे हैं उसमें काला है ना, उसकी गुणवत्ता खराब है। कितने लोग का धान वापस किया था? तो बहुत लोग का है। जैसे हमें आदेश आएगा हम वैसे ही करेंगे ना, कानून का नियम पालन करना हमारा काम है। हमें बताया गया है लेम्स में, मीटिंग में बताया गया है मानिक सर ने, अच्छे धानों को लो, खराब धान को नहीं लिया जाएगा। वहीं किसानों की शिकायत है कि धान पर टोकन 40.5 ग्राम का दिया जा रहा है, प्रति बोरी पर धान 41.3 लिया जा रहा है। फड़ों में हमाल खर्च के नाम पर प्रति बोरी 5-8 रुपए तक वसूला जा रहा है। धान की गुणवत्ता खराब बोलकर 4-6 बोरी धान की मांग की जा रही है। विरोध करने पर धान की गुणवत्ता खराब बोलकर वापस कर दिया जा रहा है। तहसीलदार शेखर मिश्रा का कहना है कि इस बारे में उन्हें जानकारी मिली है और लगातार वो अपनी टीम फड़ों में भेज रहे हैं। किसानों का एक दाना ज्यादा गलत तरीके से नहीं लेने दिया जाएगा। धान का गलत तरीके से परिवहन किया जा रहा है, उस पर अब तक कई कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। किसी एक स्पेसिफिक धान खरीदी केंद्र में खराब धान कह करके लौटाया जा रहा है। मैंने अपनी टीम भेजी है, उसकी रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई। किसानों के हितों को लेकर के दो तरफ से काम हो रहे हैं। पहला, हम एकदम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का एक दाना भी ज़्यादा न लिया जाए। दूसरा,
कुछ ये धान विक्रय न कर पाए, तो दोनों तरफ हमारा प्रयास जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का कहना है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने गंगा जल छू करके कई वादे किए थे, जिसमें किसानों के फसलों का एक एक दाना खरीदे जाने की भी बात कही गई थी। साथ ही कहा था कि 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, लेकिन उनका कार्यकाल एक साल हो जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। किसानों को सरकार प्रताड़ित कर रही है, किसान वहाँ लैम्प सोसाइटी में धान बेचने जा रहे हैं तो वहाँ पर किसानों को धान को अधिकतर रिजेक्ट किया जा रहा है। कई जगह बोलते हैं आपका धान में भूसा इसे वापस, कभी टोकन के नाम से, कभी बोले आपको 8 क्विंटल तक खरीदेंगे। इस प्रकार से इस सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो किसानों को बहुत ज़्यादा आक्रोश जनता में है। इस बात को लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी बीच में आंदोलन की, आने वाले समय हम किसानों के साथ खड़े हैं और इस व्यवस्था में सुधार सरकार नहीं करती तो किसानों के साथ बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं। और निश्चित रूप से किसानों के साथ वर्तमान सरकार को तो हम कहना चाहेंगे कोई वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। आपने जो कहा था किसानों के दान का धाना और 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन किसानों के साथ जिस प्रकार की सरकार उनको परेशान कर रही है, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, अभी नगरीय निकाय चुनाव चल रही है इस कारण से हम इस मामले में अभी फिलहाल कोई आंदोलन, लेकिन आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किसानों के साथ मिलकर के हम करेंगे और निश्चित रूप से हम किसानों के साथ खड़े हैं। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिंगरौली में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई है, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी ना तो किसानों का कर्ज माफ हुआ न ही बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। प्रदेश में लगातार किसान और युवाओं की उपेक्षा की जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिंगरौली में कमलनाथ सरकार पर वचन नहीं निभाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो वचन पत्र में वादे किए गए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जिले में धारा 144 लागू होने के कारण प्रशासन ने भाजपा कार्यालय में ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रैली निकालने से रोक दिया। भाजयुमो का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद से ही किसानों की उपेक्षा कर रही है। कांग्रेस 2 लाख रुपए का कर्ज माफ व बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सका। प्रदेश में यह सरकार बनाई है कांग्रेस पार्टी, तब से युवाओं के साथ किसानों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। इन्होंने जो वादा किया था अपने वचन पत्र में वह किसानों के साथ मुकर गए नहीं कर रहे हैं। युवाओं के साथ 4000 रुपये भत्ता देने की बात कही थी, लोकल कंपनियों में 70% लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, पर इससे मुकर गए। न ही लोगों को भत्ता मिल रहा है युवाओं को, न ही 70% नौकरी मिल रही है। किसानों की बात हो, किसानों को इन्होंने कहा था कि हम जो है अगर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, नहीं तो 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदलने का काम करेंगे। नहीं इन्होंने कर्ज माफ किया, नहीं इन्होंने मुख्यमंत्री बदला। बेटियों के लिए कन्यादान योजना के तहत इन्होंने 51000 रुपये तो कर दिए, पर किसी भी बिटिया को, मध्य प्रदेश की बिटिया को 51 रुपये भी देने में मुकर गए। 51 रुपये भी किसी बेटी को नहीं मिला। इन्होंने यह भी वचन किया था कि हम बेटियों को स्कूटी देंगे, पर पिछले सरकार में जो बेटियों को साइकिल मिलती थी इन्होंने बेटियों से साइकिल भी छीनने का काम किया है। इसके विरोध में, इनके वादा खिलाफी के विरोध में हम सब संगठनात्मक 56 जिलों में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग एक साथ यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार को यह सब हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि यह जो वादा इन्होंने किया है वह इसको करें। अगर यह वादा करने में असमर्थ हैं तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। केंद्र सरकार ने यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता देने के बाद भी प्रदेश सरकार केंद्र को बदनाम कर रही है, यूरिया की किल्लत बता रही है। इस सरकार में किसान परेशान है, किसानों को 12 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी, लेकिन आज किसान सिंचाई के लिए परेशान है। जिले की खनिज संपदाओं का दोहन किया जा रहा है, सभी नदियों में पोकलैंड से रेत की अवैध निकासी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश द्विवेदी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व एवं जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा डर कर प्रशासन द्वारा धारा 144 कर
दिया गया एवं जिला कार्यालय में हजारों की संख्या में युवा उपस्थित थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा रोककर ज्ञापन ले लिया गया। कमल नाथ सरकार में शासकीय कर्मचारी शासन की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। सरकारी सिस्टम के आगे लाचार दिव्यांग पति पत्नी पिछले 7 माह से आवास योजना और BPL कार्ड सहित कई शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें सरकारी अधिकारी मात्र आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में दिव्यांग पति पत्नी गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां सरकार 1 साल पूरे होने का मध्य प्रदेश में जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर सवाल खड़े करती है। छपरा विकासखंड के रहने वाले राजेश सेन अपने दोनों आंखों से देख नहीं सकते हैं। उन्होंने 6 माह पूर्व नजदीक के पहाड़ी टोला ग्राम की रहने वाली दिव्यांग महिला से अंतर जाति विवाह किया ताकि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे का सहारा बन सके और बेहतर जिंदगी गुजार सके, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे लाचार दिव्यांग पति पत्नी पिछले 7 माह से शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जिन्हें आवास योजना और BPL कार्ड सहित कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनसे मैं संबंध किया हूं, लेकिन सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। आज दिन तक सिर्फ एसडीओ साहब के सामने शादी हुई थी और उनने लिख के दिए थे सीओ मैडम को देना करके, तो यहाँ भी दे चुका, लेकिन कोई लाभ नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है। मेरे को 7 महीने से ऊपर हो गए सर, जून से भटक रहा हूँ। हमको शासन से लाभ चाहिए, हमारा ना मकान है ना हमको कोई कुछ नहीं। जो घर या ना दूर या जी बहुत है परेशान भोग रहा है हम, जो लाभ है तो वो भी नहीं मिल रहा हो हमके, कोई कछ पता ही नहीं मिल रहा हो हमें। अब जो वीडियो कार्ड कह रहा है वो कना नहीं आया हमें, तो कोई कुछ नहीं है जी जी, सब कुछ भूख रहा है हमें, कोई सहारा कर दिए था हमें, दया दिए के तो भी पहुंचा दिए था हमें, तो जीत पहुंचा रहा है हमें, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम दोनों हैं ही। दिव्यांग पद पत्नी छपरा जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद CEO BD चौधरी ने योजना का लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि 6 माह से भटक रहे दिव्यांग पति पत्नी को आखिर कब तक योजनाओं का लाभ मिल पाता है। दिव्यांग पति पत्नी के पास ना ही रहने को ढंग का घर है और ना ही शौचालय। राजेश सेन और झुमका भाई का प्रकरण संज्ञान में आया है, शासन द्वारा जो भी लाभ नियमानुसार दिलाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। रीवा पुलिस ने 11 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पिस्टल, कारतूस सहित अन्य हथियार बरामद किए गए। बदमाशों में हत्या में शामिल आरोपी भी हैं। IG चंचल शेखर और प्रभारी SP शिव कुमार वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने शहर के बीचों बीच अब तक की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात समदड़िया होटल में घेराबंदी कर 11 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते पकड़ा गया। बदमाशों के पास से पिस्टल, कट्टा, राइफल, कारतूस सहित अन्य हथियार बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों में दोहरे हत्याकांड के आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार सहित 11,970 की रकम भी बरामद की है। इस धरपकड़ में समान थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा और सिविल लाइन थाना प्रभारी RK मिश्रा अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। जब पहले घटना घटी तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट की, थाने में उनके जो नाम बताया फरियादी के द्वारा, उसमें 11 लोगों के नाम बताए, नाम जब FIR की गई, FIR करने के बाद समान सिविल लाइन थाना प्रभारी हमारे विश्वविद्यालय कुतवाली से स्टाफ ने मिलकर इन बदमाशों को आज पकड़ा। बंदूक मिली है इसमें, ये विद्याकांत द्विवेदी है, ये बाद में से लाइसेंस भी बेच के लाइसेंसी बंदूक है, जो इसके साथ जो बदमाश है विनोद पांडे मानव PTS और एक आशुतोष श्रोती, ये 3 ऐसे बदमाश इसमें मिले हैं जिनके विरुद्ध बड़ी मात्रा में अपराध रजिस्टर्ड है, इसमें लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास, जिसमें करीब 30 से ऊपर अपराध विनोद पांडे के विरुद्ध कायम है। इसी तरह से मानव PTS के विरुद्ध भी लगभग 30 से अधिक अपराध कायम है। साथ में आशुतोष श्रुति इसके खिलाफ अभी सिविल लाइन थाने में 302 का प्रकरण रजिस्टर्ड है। हरदा पुलिस ने फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन शॉपिंग की दुकान में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी सहित 5 अन्य लोगों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। हरदा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन शॉपिंग की दुकान में चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन शॉपिंग की दुकान से 2 लाख कीमत की सामग्री चोरी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों शुभम और गोलू उइके को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ गिरफ्तार किए गए 5 अन्य आरोपियों से भी मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। ASI मनोज दुबे ने बताया कि कुछ माह पूर्व ऑनलाइन शॉपिंग से अज्ञात लोगों ने मोबाइल सहित 2 लाख रुपए के कीमती सामान चुरा लिए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज थी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को ट्रेस कर न्यायालय में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शुभम स्वामी और ऑनलाइन शॉपिंग की दुकान में पूर्व में कार्य करता था, बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद ही शुभम ने अपने साथी गोलू उइके के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ऑनलाइन शॉपिंग शॉप थी, उस शॉप में चोरी हुई थी। जिस शॉप का अपराध कायम हुआ था थाने हरदा पर, उस अपराध में पता रसी फुटेज के आधार पर की गई। फुटेज को खंगाले गए, आरोपी की निशाने आरोपी के फुटप्रिंट तरफ तलाश की गई। इसके उपरांत साइबर सेल की मदद से आरोपी को डिटेक्ट किया गया। इसमें मूलतः चोरी करने वाले दो आरोपी थे जो कि घुसे थे। बाद में इनमें जो मोबाइल उन्होंने बेचा है उसके आधार पर 411 का इजाफा कर। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक ने अपराधों को लेकर राज्य पत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान गंभीर अपराधों और लंबित मामलों की समीक्षा की गई और इन प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान अनुभागवार एवं थानावार लंबित समस्त अपराध, लंबित मर्ग, लंबित चालान, लंबित गुम इंसान के प्रकरणों की समीक्षा की गई। साथ ही त्रिवर्षीय तुलनात्मक अपराध लघु अधिनियम प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत की गई इस कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन एवं समस्त प्रकार के लंबित सभी शिकायतों की बारीकी से समीक्षा की गई और इसके शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए। लंबित गंभीर अपराध में हत्या, हत्या का प्रयास, दहेज हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, तार चोरी, दो पहिया चार पहिया वाहन चोरी, बलवा अपहरण से संबंधित अपराध एवं महिला तथा एससी एसटी से संबंधित घटित अपराधों की प्रकरण वारवारिकी से समीक्षा की गई। सोशल मीडिया में एक अधिवक्ता के भारत माता पर आपत्तिजनक पोस्ट और अभद्र भाषा को लेकर बजरंग दल और हिंदू परिषद ने थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना एक अधिवक्ता को महंगा पड़ गया। शिवम वाटिका रहवासी अधिवक्ता शेख मोइन ने फेसबुक ट्विटर हैंडल पर अभद्र भाषा का जिक्र करते हुए भारत माता को कार्टून में रोता हुआ दिखाया है, जिसमें लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोगों का कहना है कि ये भारत माता का अपमान है, जिसके बाद राजेश पाराशर के नेतृत्व में सैकड़ों बजरंग दल एवं हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। परिषद की ओर से आज हरदा थाने में आकर शेख मुइन खान जो हरदा के अधिवक्ता हैं उनके द्वारा फेसबुक पर उनके स्वयं के ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल पर जो पोस्ट डाली गई है उसके विरोध में हिंदुओं को अपमानित करने की भावना से और देश के अंदर भारत माता का अपमान करने के उद्देश्य से जो उन्होंने पोस्ट डाली है उसके विरोध में पूरा विश्व हिंदू परिषद और पूरा हिंदू सकल हिंदू समाज यहाँ पर आया है। वो चाहता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार से कोई भारत माता और हिंदू धर्म के प्रति अपमान की कोई बात न कहे। खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू तथा इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह के संयोजक तथा फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने अतिथियों का स्वागत किया। इस आयोजन में फिल्मी दुनिया के नामचीन कलाकार किरण कुमार, अरुण बख्शी, कोनिका कपूर का स्वागत किया गया। किरण कुमार ने फिल्म तेजाब के अपने किरदार लोटिया पठान के डायलॉग बोले तो फिल्म फेस्टिवल का पूरा परिसर तालियों से गूंज गया। अपने संबोधन में खेल मंत्री ने खजुराहो में खेलों के लिए एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा के साथ ही बताया कि ओलंपिक के लिए भारत में खिलाड़ियों को अभी से तैयार किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य अगले ओलंपिक खेलों में भारत प्रमुख 10 देशों में शामिल हो। हमारा युवा बुंदेलखंड के और यहाँ खजुराहो में जितना युवा है आप कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलें और खेल मंत्री होने के नाते मैं मध्य प्रदेश सरकार को और यहाँ हमारे जो स्थानीय सांसद हैं शर्मा जी से मैं बात करूँगा और जरूर अगर राज्य सरकार योगदान करे, साथ दें तो मैं अपने मंत्रालय से खेल के क्षेत्र में एक फैसिलिटी सेंटर जरूर आपको मैं बना के दूंगा, मेरा कमिटमेंट है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के कारण यहां के विकास पर लोगों का ध्यान गया है। हम कोशिश करेंगे कि यहां का संपूर्ण विकास हो। हमारे विभाग की ओर से बुंदेलखंड के विकास का प्रयास होगा। सबकी इच्छा है कि इस बुंदेलखंड के बारे में, खजुराहो के बारे में यहां के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, कई ऐसे यहाँ पर क्षेत्र है जिनके बारे में हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और लगातार इसके बाद हम प्रयास कर रहे हैं
हमारे इस क्षेत्र को उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। सिया कल्चर सोसाइटी की ओर से परंपरागत घूमर डांस शो का आयोजन भोपाल के भोजपुर क्लब में किया गया। राजस्थानी परिधान में महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर नृत्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थानी कलाकारों ने गीत गाए और अपनी कला का प्रदर्शन किया। भोपाल के भोजपुर क्लब में सिया कल्चरल सोसाइटी की ओर से तीसरी बार घूमर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में महिलाओं ने राजस्थानी परिधान में नृत्य का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा गीतों पर क्विज कॉम्पिटिशन भी रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और इनाम जीते। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी तलवारबाजी के हुनर का भी प्रदर्शन किया। आयोजन में राजस्थान से आए कलाकारों ने बड़ी ही मनमोहक प्रस्तुतियां दी। राजस्थानी वेशभूषा में सजी महिलाओं ने एकल नृत्य के साथ ग्रुप डांस भी किए, जिसमें घूमर निमूड़ा हम साथ साथ हैं के अलावा कई राजस्थानी प्रसिद्ध गीत शामिल रहे। कार्यक्रम है, पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं इसको, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं हम अपना कल्चर भूल रहे थे, तो उसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ये 3 साल से हमने स्टार्ट किया है। और आप देख रहे होंगे ये राजस्थान के जो लंगा पीछे म्यूजिक बजा रहे हैं, ये लोग राजस्थान से आए हैं और ये पूरा राजस्थानी कल्चर है। ये हम लोगों का स्पेशल प्रोग्राम होता है राजस्थान का घूमर, और ये हर साल होता है, ये 3रा साल है हम लोगों का। और आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और ये पूरा राजपूतानी पोशाक और ये सब कुछ, ये राजस्थानी ड्रेस होती है, पूरा कल्चर, आप लोग यहाँ आए इंजॉय करें, बहुत अच्छा लगे। थैंक यू। हाँ जी, पूरा राजस्थानी, राजस्थान का जो एक घूमर जो फॉर्म होता है ये वो है, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, जो हमारा बेस है, जो घूमर है, वो हम सबके सबको बताना चाहते हैं कि क्या होता है। आयोजकों का कहना है कि हमारा प्रयास है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से मिल पाते हैं। कार्यक्रम में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, जिससे कार्यक्रम की रौनक बढ़ जाती है। वहीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची महिलाओं ने बताया कि वो हर वर्ष घूमर कार्यक्रम में आती हैं। ये अलग और बहुत ही शानदार अनुभव होता है। यहाँ सभी महिलाएं नृत्य और कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।